अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर है सब नया। रेल बजट 2015 को समर्थन करते हुए सम्मान्य रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी और रेल राज्य मंत्री सम्मान्य श्री मनोज सिन्हा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आई टोल्ड यू बजट में अध्यक्ष महोदय इस बजट में महाराष्ट्र और मुंबई के साथ पूरा न्याय करने का काम सम्मान्य रेल मंत्री जी ने किया, इसलिए फिर एक बार उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर्याप्त निधि उपलब्ध करने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। कोकण रेलवे से बड़ी उम्मीद महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण राज्यों के रेल प्रवासियों के है। वसई दीवा जंक्शन पर टर्मिनल निर्माण करने की मांग मुंबई और महाराष्ट्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस काम को तुरंत शुरू करने की मांग मैं करता हूं। इससे कोकण वासियों को बड़ा लाभ होगा। अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन को जल्द अमल में लाने की आवश्यकता है। यह युवा पीढ़ी की मांग और समय की आवश्यकता है। उसी तरह फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेज गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे धंधा कारोबार में गति और तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत आसानी होगा, जिससे खपत बढ़ेगी और खपत बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा यानी ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होना, जीडीपी ग्रोथ भी इससे बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष जी, मुंबई शहर के लिए 11,500 करोड़ का MUTP को मंजूरी देकर रेल मंत्री जी ने मुंबई शहर के साथ में बहुत न्याय किया है, जिसमें बोरीवली विरार पांचवा और छठा लाइन का समाविष्ट है। आर्बर लाइन गोरेगांव से बोरीवली विरार ढाणू तीसरी और चौथी लाइन, पाथ कॉरिडोर ऑन हार्बर लाइन, मुंबई सबर्बन लाइन वसई विरार और बांद्रा कुर्ला ईस्ट वेस्ट को जोड़ने का भी इसमें समाविष्ट है। अध्यक्ष जी, मुंबई शहर में 3,500 लोगों की मृत्यु और उतने लोग जख्मी होते हैं। डोर क्लोजर की मांग बहुत दिनों से हम कर रहे हैं। गत रेलवे बजट में सदानंद गौड़ा जी ने जिसका मान्यता दी थी, उसे तुरंत करने की मांग मैं कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पर अध्यक्ष जी, जो बड़े बड़े स्टॉल धारक है, 50 स्टॉल जिसके पास 150 है, उन सारे लोगों का लाइसेंस रिन्यू किया है, लेकिन जिनके पास 1-2 स्टॉल है उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, ये तुरंत रिन्यू हो इस प्रकार की मैं मांग कर रहा हूँ। एलिवेटेड कॉरिडोर जो गत सरकार ने ड्रॉप किया था, इस सरकार ने सम्मान्य रेल प्रभु जी ने मुंबई शहर के लिए फिर एक बार उसका द्वार खोलते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर को मान्यता दिया है, इसलिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ट्रेनों की गति बढ़ाकर 30% सर्विस अधिक देने की बात रेल मंत्री ने किया है। ये उनके CA ब्रेन का देश और रेल प्रवासियों को देन है, ऐसा मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, रेलवे स्टेशनों की नूतनीकरण करने की मांग और बार बार घोषणा हर एक रेल बजट में होता है, लेकिन काम शुरू हो नहीं रहा है। मुंबई जैसे शहर में सभी रेल स्टेशनों को एक नया लुक देने की आवश्यकता है, काम तुरंत शुरू किया जाए। मैं फिर एक बार रेल मंत्री और मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुंबई शहर के साथ में न्याय करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महाराज।